है के लिए कुछ तो बोल देता है, कुछ सिखाया पिता श्री ठीक है। सुनो भैया, पिताश्री बोलता है ये तेरा भाभी लगेगा, चलो उसको प्रणाम करता है। शो नहीं पिताश्री, मेरे भाई बड़े भाई का कहाँ है, कहाँ पर रह रहा है? देवर बाजुना या भाई साहब के समाचार बुझे ले चाहे छे। हाँ भाभी, तो सब समाचार या कह के सुनाबे छे। कहिए देवर, या तारापुर से स्वामीनाथ हिरणपुर गया हमरे इज्जत बचावे के लिए, लेकिन 700 घर के बस्ती बलाराम और मुरलीधर के छान क्यों नहीं भाभी? लेकिन या सैदापुर के डोम साहब या हिरणपुर में पिताजी के बस न चले दे छान, एहि दुआरे या पिताजी पत्र में लिखलक जे 14 कोस राज में अगर जे कोई छत्री के लाज बचाए बलाये या अपना छत्री के या के लाज बचा ले। सही बात है, लेकिन स्वामीनाथ या हमरे लाज बचाए के लिए गाल, लेकिन स्वामीनाथ एक समय की बात में जे दिन में जलम भेला ते दिन में आ मोहनी डोमिन के जलम भेल, या मोहनी डोमिन के और सती केबली के दोनों के सखी ले गए, लेकिन एक समय के बाद देवर या धोखा में मोहनी डोमिन तब मोहली बाग लगे और मोहली बाग में जाके अपना भैंस से या इज्जत पर धावा दिया दलक, या वो इस समय में स्वामीनाथ सहारा भाग के या जान के छोड़े, लेकिन वही दिन डोमिन्स के साथ या हमरा सखी छूट गया। लेकिन देवर एक बात, क्या बात भाभी? आले वही दिन कहला ये केबली, अगर तोरा ये घर वाला भोग लग जतो तो तू हमरे नाम छे डोमिन, हमरा नाम है तू दस को जूता फेंक दे। वो इस समय में बहुत घनघोर और बहुत मारपीट भागल देवर भाभी, उसका आगे क्या हुआ सुना कह चिया। और स्वामीनाथ अने हिरणपुर से दोनों गोरा में या वातावरण भर के लेकिन कहला है सती तब तक ले अने तोहा आराम कर अपना माल में कि तोरा ले या पिताजी के वचन के पालन करे के लिए या सुंदरा पहाड़ जा रहा छी। कैला अने सिंदूरा पहाड़ के सिंदूरा नाम या तोरा मांग में पड़ता तब की तोरा हमारा शादी है ता, लेकिन बहन स्वामीनाथ या सुंदूरा पहाड़ गाल लेकिन रास्ता में डोमिन अने माता के जाल अने पकवाई नार बना के और स्वामीनाथ के पैन पिया के अने डोम बना के अपने साथ में रख छोड़ला जी। ठीक है भाभी, चलिए क्या भले भैया को ड्रोम बना को
कीजिए। उसके बाद पिताश्री भी बुढ़ा हो गया है, सोच कर जहाँ मिलेगा बड़े भैया वहां से खोज के रुना झुना अवश्य आएगा। तोरा सबके या चिंता नहीं कर बाबू, या तारापुर हम एला, या तोरा सबके या पिताजी के और अपना हाथ से सेवा करके या खाना बना के या तोरा सबके ख्याम या तारापुर में गुजर बात करम देवर, या तोरा सबके चिंता न करा। ठीक है भाभी। तो भाभी हाँ देवर, चलो महल में खाना पकाना, और दोनों भाई को भूख लग गया है और पिता साहब भी बाबूजी मिलके आवे के भेंट करे ले ना बाबूजी। सबसे पहले या तारापुर में रहा 6 महीना बड़े दिन, या स्वामीनाथ के रास्ता देखे छी या यावर नहीं छी की आवे ये छी। भंता भात करा बोल के खियावा हम लोग। ठीक है छे बाबूजी, इतना भेंट आते मुझे ले लो ये एकरे देख के। ठीक है ये बाबूजी। भाभी हाँ देवा, अगे चलो चलो भाभी के राजा कोठाली में, ये निका निका खाना खिलाएंगे दोनों देवर के। अब अच्छा ये रबो भाभी अच्छा बनेंगे I'm
भाग भाग। आज भाभी को हाथ को खाना खाया बहुत मजबूत क्यों रहे भैया, बहुत अच्छा खाना बनाया था भाभी, खाने बहुत टेस्ट आया भाभी हाथ के खाने। देवर कही भाभी, क्या तोरा सबके सब दिन हर रोज या स्कूल के अने डिप्टी ना छोड़ा? देवर सही बात है, जब तारापुर में एला या तोरा सबके चिंता नहीं करा, जखनी खोज पाखनी तक तैयार छे हम। देवर भाभी हाँ देवर, अब हम लोग छोटे नहीं रहा, नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, ना जा भाभी आया पानी लेके देंगे, बर्तन सफा कर देंगे, आपको साथ रहेंगे भाभी। सेवा करम देवर ठीक है भाभी। ये भगवान ना जाने या तारापुर के राजपाट में एला, लेकिन दोनों भाई रोना झोना देवर भागे या बाबूजी बुढ़ापन में या पिताजी के दरबार छोड़ के एला, या सौ ससुर के और देवर दोनों टा के सेवा बर्दाश्त कर ले भगवान, करा और दोनों देवर के लग के या तारापुर में गुजर बात करम भगवान। भगवान अरे परसिया, अरे यही है तारापुर, अरे यही है तारापुर, जा करके देखो अंदर में कोई है कि नहीं, जा करके देखो काम बन जाएगा, जा करके खबर कर दो। अरे
परोसिया जा करके खबर कर दो यहाँ पर डाकू आ गया है। यहाँ के घर में डाकू चोरी करे भागे जब ले रहो पहुँच के लिए पहुँच के लिए बाबा मेरा बाबा भारत में से भागे चोर बाबू सब डाकू के इधर रहता है खल उधर रहता है। भाभी क्या ऐसे डर जैसे करते हो कौन है कौन है क्या दुश्मन बलराम और मुरलीधर या तारापुर तलिक चल गए देवर भागा या तारापुर में जान नहीं बचता देवर वही मुरलीधर बलराम हाँ देवर भाभी हम लोग तो बच्चे हैं बचा लो भाभी हाँ देवर बहुत छल किया है कहा तो हिरणपुर में आज तुम्हारा जान नहीं बचेगा। मारो मेरे पिताजी को